और वहीं आप फीसद पर नजर डाल लेते हैं, आपको बताते चले कि कितने परसेंटेज तक 11 बजे तक वोटिंग हुई है। तो हरियाणा में सुबह 11 बजे तक 22.70% वोटिंग हुई है, जिनमें 27.20%, अम्बाला में 25.50%, वहीं भिवानी में 23.45% वोटिंग हुई है। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अलग अलग इलाकों का ये वोटिंग फीसद है। फरीदाबाद से लेकर गुड़गांव में 17.05% वोटिंग दर्ज की गई है। हिसार में 24% से ज्यादा, झज्जर में 23% से ज्यादा, वहीं अलग अलग इलाकों की वोटिंग फीसद आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग का अमल देखने को मिल रहा है। लोगों से अपील की जा रही है बढ़ चढ़कर कि वह अपने हक के रायदही का इस्तेमाल करें, जमहूरियत के जश्न में हिस्सा लें। असेंबली या चुनाव यहां पर हो रहे हैं, 90 सीटों पर वोटिंग का अमल देखने को मिल रहा है। सभी सीटों पर एक ही फेज के तहत यहाँ पर ईवीएम में तमाम तर उम्मीदवारों की किस्मत आज कैद हो जाएगी। तो हरियाणा में सुबह 11 बजे तक अगर ओवरऑल देखा जाए तो 22.70% वोटिंग दर्ज की गई है। हालांकि कुछ इसे धीमी रफ्तार बता रहे हैं और कुछ का कहना है कि अभी इसमें और इजाफा होगा और अलग अलग वोटिंग सेंटर्स पर काफ़ी भीड़ भी देखी जा रही है। लेकिन 11 बजे तक 22% ही वोटिंग सभी इलाकों में देखने को मिली है। इसके अलावा अलग अलग इलाकों की बात करें, अलग अलग जिलों की बात करें तो जिनमें 27.20% वोटिंग हुई है, अम्बाला में 25.50%, भिवानी में 23.45%, जिनमें 27.20%। इसके अलावा 23.45% वोटिंग भिवानी में हुई है। फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुड़गांव सभी जगह पर वोटिंग का अमल देखने को मिल रहा है। रेवाड़ी में 21.94%, सोनीपत में 7.98% और यमुनानगर में 9.27% वोटिंग हुई है। यानी यमुनानगर में अभी फीसद काफ़ी धीमा चल रहा है, काफ़ी धीमी रफ्तार से लोग अपने वोटिंग सेंटर्स पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में तमाम तलीगरान की तरफ से वोटिंग के इस जश्न में शामिल होने का मुतालबा किया जा रहा है। अलग अलग लीडरान भी पहुंचे जो कि उम्मीदवार हैं अलग अलग पार्टियों से, उनकी तरफ से भी वोटर से अपील की जा रही है कि वो अपने हक के रायदही का इस्तेमाल करने के लिए वोटिंग सेंटर्स पर पहुंचे। शाम 6 बजे तक का वक्त आपके पास है, अभी भी काफ़ी वक्त है। तो आज 1031 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। 90 सीटों पर यहां पर वोटिंग का अमल देखने को मिल रहा है। 2 करोड़ से ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो यहां पर अपने हक के रायदही का इस्तेमाल करेंगे। तो हरियाणा असेंबली चुनाव को लेकर पर्पल की अपडेट सलाम टीवी आप तक पहुंचा रहा है। अलग अलग लीडरान की बयानबाजी भी वक्तन फवक्तन सुनाई, उम्मीदवारों की तरफ से भी काफ़ी पुरउम्मीद यहाँ पर सभी उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के अपने दावे और वादे हैं, तो वहीं बीजेपी भी कह रही है कि तीसरी बार जनता जो है वो बीजेपी पर भरोसा करती हुई यहाँ पर नजर आएगी। तो वहीं बीजेपी में कई आपसी इख्तलाफात भी देखने को मिल रहे हैं। साबिक वजीर दाखिला की तरफ से भी सीएम के नाम को लेकर कई तरह की सुगबुगाहटें देखने को मिली। तो वहीं आपको बताते चलें कि दूसरी तरफ कांग्रेस में भी काफ़ी पुरएतमाद कांग्रेस यहाँ पर नजर आ रही है। तो हरियाणा असेंबली चुनाव के वोटिंग के बीच अलग अलग लीडरान भी अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। सीनियर लीडर और साबिक वजीर दाखिला एलन विज भी अपना हक रायदही का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे थे और कई तरह की बातें वो कहते हुए नजर आए। और सीएम के नाम को लेकर उन्होंने कहा कि अगर पार्टी अगर उन पर भरोसा जताना चाहेगी तो वो ज़रूर इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए नजर आएंगे। आपको बताते चलें अम्बाला से उम्मीदवार हैं अम्बाला के एन से, और अलग अलग उम्मीदवार यहाँ पर अपनी किस्मत यहाँ पर आजमा रहे हैं। तो 1031 उम्मीदवार हैं और कई तरह की सियासी उथल पुथल भी देखने को मिली। कई दीगर और पार्टियां हैं, हालांकि कड़ी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान ही देखने को मिल रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी किस तरह से यहाँ पर किरदार अदा करेगी, ये भी देखना बेहद अहम होगा। तो वोटिंग फीसद आपको बताते चले, हरियाणा में 11 बजे तक 22.70% वोटिंग यहाँ पर हुई है और कई जगहों पर कुछ शिकायतें भी मौसूल यहाँ पर हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में मामूल के मुताबिक वोटिंग का अमल देखने को मिल रहा है और सभी उम्मीदवारों की तरफ से काफ़ी उम्मीदें यहाँ पर जताई जा रही हैं। तो हरियाणा में 90 सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह 11 बजे तक 22.70% वोटिंग यहां पर हुई है और सबसे ज़्यादा वोटिंग पलवल में बताई जा रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सबसे कम वोटिंग यमुनानगर में बताई जा रही है, 9.27% वोटिंग का अमल भी यहाँ पर देखने को मिला है। तो उम्मीद यहाँ पर की जा रही है कि लोग बढ़ चढ़ कर अपने किराएदही का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे
और इसी तरह से लीडरान की तरफ से भी मुतालबा किया जा रहा है कि बढ़ चढ़कर हक के राय दही का इस्तेमाल करें और वोटिंग सेंटर्स पर अपने वोटिंग का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचते हुए नजर आए। तो अलग अलग लीडरान के बयानबाजी भी हमने आपको दिखाई। दूसरी तरफ कई दावे और वादे यहां पर किए गए और 1031 उम्मीदवार के अलावा 2 करोड़ वोटर, आज 1031 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला यहां पे ईवीएम में कैद करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं कड़ा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। हालांकि इसके अलावा कई ऐसी पार्टियां हैं जिसमें आम आदमी पार्टी का जिक्र भी किया जा रहा है। जेजेपी भी यहां पर कई जाविये से अपना यहां पर किरदार अदा करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आजाद समाज पार्टी भी यहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हुई कैंपेनिंग में नजर आई। तो हरियाणा में 90 सीटों पर होने वाले इंतखाबात में सीएम नायब सिंह सैनी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की दिनेश फोगाट के अलावा जेजेपी से दुष्यंत चौटाला और 1027 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होने वाला है। और इस इंतखाब में 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं जिनके कंधों पर सारा दारमदार टिका हुआ है। सभी पार्टियों की तरफ से अपील की जा रही है कि बढ़ चढ़कर वोटिंग सेंटर्स पर पहुंचे और अपने हक के राय दही का इस्तेमाल यहां पर करें। पुरमन तरीके से बताया जा रहा है कि वोटिंग का अमल जारी है और सिक्योरिटी के भी कड़े बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं। तो वहीं आपको बता दूं चलिए, बीजेपी इस बार जीत की हैट्रिक लगाने की उम्मीद कर रही है जबकि कांग्रेस एक दशक के बाद वापसी की उम्मीद कर रही है। वहीं नतीजे साथ में ही सामने आएंगे। जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजों के साथ ही हरियाणा चुनाव के नतीजे भी सामने आएंगे। सबकी निगाहें इसी पर बनी रहेंगी। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा के किस तरह से नतीजे सामने आते हैं। तो सुबह 7 बजे से ही वोटिंग का अमल देखने को मिल रहा है और 6 बजे तक वोटिंग का अमल जारी रहेगा। और तब तक लोगों से यही अपील की जा रही है वोटर्स से कि अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे। तो अगर देखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी, एनएलओ बसपा, जेजेपी, आज़ाद समाज पार्टी किस तरह का किरदार अदा करती है नतीजों को लेकर, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पूरी कोशिश यहाँ पर की गई है और कहा जा रहा है कि किंग मेकर के तौर पर किरदार आम आदमी पार्टी यहाँ पर कर सकती है। वहीं आपको बताते चले, बीजेपी की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी यहां पर चुनावी अभियान संभाला था और तकरीबन 4 रैलियों से खिताब करते हुए दावे और वादे यहां पर गिनाए गए थे और वसूलियां भी यहां गिनाई थी और कई मुद्दों पर वो कांग्रेस पर हमलावर भी नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ पदयात्रा आखिरी वक्फे में कांग्रेस ने करके एक नई मिसाल कायम करने की कोशिश की और वहीं कुछ ऐसे नाराज लीडरों को मिलाकर क्या कांग्रेस यहां पर फायदा हासिल कर पाएगी या नहीं, ये देखना बेहद अहम होगा। तो वार और पलटवार सियासी यहां पर बखूबी देखा गया। तो बीजेपी की तरफ से उम्मीद जाहिर की जा रही है कि वो तीसरी बार सत्ता पर काबिज होगी। तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपना सूखा यहां पर मिटाती हुई नजर आएगी और लोकसभा चुनाव के नतीजों से काफ़ी पुरउम्मीद कांग्रेस यहां पर नजर आ रही है। इंडिया अलायंस ने जिस तरह से लोकसभा में परफॉर्म किया बोसी की तर्ज पर, इसको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि नतीजे किस करवट बदलते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि मैं लगभग 16 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके आया हूँ प्रदेश में, अलग अलग कोनों में, और सभी तरफ बहुत बढ़िया माहौल भारतीय जनता पार्टी का है और मेरा दावा है, चैलेंज है कि पूर्ण बहुमत से हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। पिछली बार मैंने कहा था कि बीजेपी का घमंड टूटेगा हरियाणा में और इनकी मेजोरिटी नहीं आएगी। आपने देखा ये 40 पे अटक गए। और पिछली बार इन्होंने जो बीजेपी के नेताओं ने कहा था, जो आज नेता जो कह रहे हैं कि 50 तक पहुंचेंगे, वो पिछली बार कह रहे थे हम 75 पार 80 तक पहुंचेंगे, वो आधे पे आ गए। आज तो खुद ही उन्होंने रिवाइज कर लिया अपना, कह रहे हैं कि